एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड स्कैन आप कैसे देख सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होने वाला है। तो जनरली 13 वीक टू 14 वीक के बाद जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट 16 टू 18 वीक पर जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है ये क्लियर पता चल जाता है डॉक्टर्स को जो हमारा अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे इंडिया पे अलाउ नहीं है कि आपको जेंडर रिवील किया जाए। तो आप अल्ट्रासाउंड स्कैन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है। तो कुछ बातें हैं जो कि ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दी होती है। कई लोग कहते हैं ऐसा कि मतलब नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है बेबी की 120 टू 160 प्रति मिनट होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर हार्ट बीट 140 से कम है और पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो बेबी बॉय होगा, और हार्ट बीट 140 से ज़्यादा है एंड इंटीरियर प्लेसेंटा है तो बेबी गर्ल होगा। तो प्लेसेंटा और हार्ट बीट का कोई लेना देना नहीं है बेबी के जेंडर से, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर है इंटीरियर है तो ये बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत सुनिएगा, क्योंकि ये बोलने और सुनने में अच्छा लगता है बट ये सच नहीं है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि प्लेसेंटा ये डिफाइन करे कि हाँ बेबी का जेंडर क्या है, क्योंकि प्लेसेंटा बस एक बच्चे को बच्चे दानी से जोड़े रखता है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जो पेट की तरफ की पोजीशन में होता है उसे इंटीरियर प्लेसेंटा कहते हैं, और जो माँ के बैक साइड होता है मींस की कमर की साइड होता है उसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकता है कि बेबी का जेंडर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ना ही तो प्लेसेंटा के थ्रू और ना ही आप FHR के थ्रू जान सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है। बट साइन है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि बेबी का जेंडर क्या है, वो होता है अल्ट्रासाउंड स्कैन। जब आपका हो रहा होता है तो जो स्कैन के थ्रू ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखने में आ सकती है। कई दफ़ा होता है कि नहीं आएंगे क्योंकि नहीं लेके जाते हैं यहाँ तक। बट अगर आ गए ये पिक्चर्स, आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रही है बेबी का जो लेग्स होते हैं लेग के बीचों बीच यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है, इट्स मीन्स कि ये बेबी गर्ल है। और यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 2 लेग्स के बीच में एक आपको मतलब एक टोटल साइन टाइप में कुछ दिख रहा है, इट्स मीन्स कि ये बेबी बॉय है, और बेबी बॉय का साइन आपको दिख जाएगा। तो 16 टू 18 वीक पर ये फाइनल पता चल जाता है कि हाँ ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। बट प्लीज़ आप इसे नेगेटिव वे में ना लेके जाए। कुछ लोग होते हैं कि हाँ उनको बेबी गर्ल नहीं चाहिए होती है, बेबी बॉय ही चाहिए होता है, तो इस तरीके से ना लेके जाए। ये वीडियो मैं सिर्फ इस पर्पज़ पे बना रही हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना हमें एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि मुझे खुद एक्साइटमेंट थी कि हमारी बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय, बिकॉज कि हमें उसकी शॉपिंग करनी होती है, फ़ोटोशूट कराना होता है, तो ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती है। इस बेस पे हमें एक्साइटमेंट होती है जानने की, बट प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में ना लेके जाएँ कि हाँ भाई हमें बेबी गर्ल नहीं चाहिए, बेबी बॉय चाहिए। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, तो इसे नॉर्मल वे में रखें एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।